एक छोटी बात और मैं कहना चाहता हूँ जो अभी सडनली मुझे ख्याल आया, जिस तरह से मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ रहा है और उनको कब्र के लिए जगह चाहिए, तो खेती हम कहाँ करेंगे, खेती कहाँ करेंगे, ये प्रश्न चिन्ह उठता है। मुझे भेदभाव किसी से घृणा नहीं मैं करना चाहता, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि पिछली गली से आके आप यदि दिल्ली के गद्दी पे बैठना चाहते हो और आप वही करना चाहते हो जो बाबर अकबर औरंगजेब ने किया, आप वही करना चाहते हो जो गोरी ने किया, तो अब हिंदुत्व जाग चुका है। हम आपको चुनौती सुनक स्वीकार करते हैं और उसका सही उत्तर देंगे। तो ये उत्तर है कि हम कानून बनाएंगे। और हम तो ये तो बहुत ही सभ्य तरीके से, बहुत डिसेंसी से सुरेश जी पेश आ रहे हैं। मेरा बस चले तो मैं कहूं हिंदू के दो, मुसलमान के एक। ये कोई सिविलाइज सोसाइटी की सोच है क्या? और तब कोई लोग जो उंगली उठाते हैं हम लोग पे कि आप राजनीति कर रहे हो, सुरेश जी सही कहते हैं, राजनीति नहीं, राजनीति कर रहे हैं। हिंदुत्व को, हिंदुस्तान के बचाने की जिम्मेदारी फौज तो सिक्योर कर रही है, बॉर्डर पुलिस आईपीसी इंडियन पीनल कोड को सुरक्षित कर रही है कि जमीनी स्तर पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये कौन संस्था है जो हिंदू ऑफिशियल संस्था है जो हिंदुस्तान के संस्कृति बचाने के लिए वो जिम्मेवार है? एक एक नाम बताइए, जीरो। तो फिर क्या होगा? वही हो रहा है जो संबल में कहा जाता है हमारे टीम को, सुरेश जी को, आप नहीं जा सकते। ये मुस्लिम क्षेत्र, बहुसंख्यक क्षेत्र, संवेदनशील क्षेत्र हिंदुस्तान में बनते कैसे हैं? जहां मुस्लिम बहुसंख्यक होता है वहां क्या, वहां की पुलिस कहती है आप नहीं जा सकते, मेरे घर में मुझे कहा जाता है आप उस बेडरूम में नहीं जा सकते, वहां नहीं जा सकते, छत पे नहीं जा सकते, मेरे घर में। और हम चुपचाप तमाशा देख रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति के विक्टिम होके चुपचाप देख रहे हैं। मां बेटे में बहुत बहुत प्योर रिश्ता होता है, लेकिन बच्चा रोता है तभी मां दूध देती है। रोने का वक्त आ गया है, अपना अधिकार मांगो। और जो दानवी सोच वाले, पिसाची सोच वाले शक्तियां हैं हिंदुस्तान में, उसको चुनौती दो। बहुत दुख लगता है जब जेएनयू में हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे, जब एक पार्टी का बहुत मोनी बाबा कहता है कि पहला हक मुसलमान, हिंदुस्तान के संसाधन पे पहला हक मुसलमान।